उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर शनिवार आधी रात को भगवान महाकाल ने सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपा। परंपरा के अनुसार रात करीब 11:30 बजे महाकालेश्वर मंदिर पर पूजन के बाद बाबा की सवारी गोपाल मंदिर के लिए रवाना हुई। सवारी मार्ग पर जगह जगह भूत भावन बाबा महाकाल का जमकर स्वागत किया गया, आतिशबाजी भी की गई। हरिहर मिलन के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। भगवान महाकाल और द्वारकाधीश का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए देश भर से आए हजारों श्रद्धालु गोपाल मंदिर के बाहर रात 10 बजे से ही मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने गोपाल मंदिर के बाहर रोड पर शाम से बैरिकेड कर दिए थे। मंदिर में किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश नहीं था। गोपाल मंदिर पहुंचने पर सवारी अंदर लाई गई। यहाँ भगवान विष्णु के सामने आसीन किया गया। जी देखिए कि जैसा माना जाता है कि 6 महीने जो है हरिहर को बलहार दे देते हैं तब देव सो जाते हैं। तो जब देव सोए थे तब भगवान गोपाल जी ने बाबा महाकाल को इस पृथ्वी का पदभार दिया था। तो आज वापस महाकाल जब देव जाग चुके हैं तो उन्हें यह पदभार सौंपने के लिए पधार रहे हैं। तो उन्हीं के स्वागत में यहाँ पर जो है वो पूजा होती है, उसी हरिहर मिलन कहा जाता है। इसमें गोपाल जी की ओर से तुलसा जी की माला बाबा महाकाल को पहनाई जाएगी और बाबा महाकाल की ओर से बिलपत्र की माला गोपाल जी को पहनाई जाएगी। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व देव उठनी 11 के दिन भगवान विष्णु जब इस ब्रह्मांड के अंदर आए तो उसके पश्चात आज के दिन भगवान शिव जो 4 महीने से पूरे ब्रह्मांड का भार ले रखा था वो आज विधिवत तरीके से भगवान शिव भगवान विष्णु के दरबार में आए हैं और विष्णु को शास्त्रोक्त और वेदोक्त पद्धति के साथ में आज सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। भगवान शिव को बिलपत्र की जो माला प्रिय होती है वो भगवान विष्णु धारण करेंगे और विष्णु को जो तुलसी की माला प्रिय है वो भगवान शिव धारण करेंगे और इस प्रकार से हरि और हर का मिलन होगा। वैकुंठ चतुर्दशी में भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर इस तरह का महापर्व मनाया जाता है। जय महाकाल।